गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ बम्पर जीत हासिल कर चुकी है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी सत्ता पे काबिज रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है और पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। इस बार के बम्पर जीत के पीछे सिर्फ मोदी फेस ही नहीं बल्कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की जीत के लिए बड़े फायदेमंद साबित हुए हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या गुजरात में सिर्फ मोदी फेस के दम पर ही जीत मिली या फिर कोई और भी फैक्टर्स हैं जो बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि मोदी के बिना बीजेपी गुजरात में अपनी धमक पहले की तरह कायम रख पाएगी। मोदी फेस के अलावा गुजरात में जीत के कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की। गुजरात में कुछ सालों में ही कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदल गए। पटेल आंदोलन की वजह से बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी हुआ और इससे बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन 27 सालों के बाद भी पार्टी अब इतिहास रचने के करीब पहुंच गई है। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि गुजरात बीजेपी के पास अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। बीजेपी खेमे में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो गुजरातियों में वैसे ही पकड़ रखते हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी की है। उन बड़े चेहरों में कई नाम हैं जैसे भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर। ऐसे ही कई नामों की लंबी लाइन है बीजेपी के पास जो कि पार्टी को मजबूत बनाती है, बड़ी ताकत बनाती है। 27 सालों से बीजेपी का कब्जा रहने के बावजूद गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी की जैसे शब्द दूर दूर तक सुनने को नहीं मिले। ऐसा माना जाता है कि जब कोई दल लंबे समय तक राज कर लेता है तो वोटर्स कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पर सरकार से नाराजगी व्यक्त करती है, लेकिन इस बार गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां तक कि राज्य में इसका उल्टा असर देखने को मिला। गुजरात में पहले से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है। दूसरा फैक्टर है विकास के मॉडल का। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पीछे गुजरात मॉडल का काफी अहम योगदान रहा। 2014 की बात करें तो उस समय लोकसभा चुनाव विकास के मॉडल के आधार पर ही लड़ा गया और पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों के वादों के दम पर ही बीजेपी को लगातार जीत मिली। यानी कि गुजरात में विकास के मॉडल का कोई काट नहीं निकाल पाया जिससे इसका फायदा बीजेपी को मिला। तीसरा फैक्टर ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत अहमद पटेल के न होने से कांग्रेस को उनकी कमी खल रही है और नुकसान भी हुआ है। सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे अहमद पटेल का निधन होना पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है और उनके बाद राज्य में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा फेस भी नहीं बचा है जो पार्टी को मजबूत कर सके। कांग्रेस आला कमान और गुजरात यूनिट के बीच की कड़ी की तरह काम करने वाले अहमद पटेल के ना रहने से कांग्रेस को उनके बराबर स्तर के नेता की कमी खल रही है। आदिवासी वोट बैंक भी बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे आदिवासी इलाकों में पार्टी की अच्छी पकड़ भी मेन वजह है। इस बार के गुजरात चुनाव में बीजेपी को न सिर्फ शहरी ग्रामीण इलाकों से वोट मिले बल्कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।